श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अघोर पंथ और औगड़ों की दुनिया के बारे में, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आजकल नकली मतलब फर्जी और ढोंगी और जो औगड़ होते हैं बड़े ढेर सारे घूमते हैं, तो उनसे आप जरा सावधान रहें। औगड़ों की दुनिया समाज की रीति नीति से ऊपर है, इनकी अनेक धाराएं हैं जिसे अघोर पंथ कहा जाता है। अघोर का अर्थ है जो घोर न हो, अर्थात सीधा सहज और सरल हो। इस पंथ के लोगों को अघोरी या औघड़ कहा जाता है। अघोर की तुलना गंगा से की गई है, जैसे गंगा शव और फूल में भेद नहीं करती, दोनों गंगा की धारा में प्रवाहित रहते हैं, बहते रहते हैं, वैसे ही अघोर भी किसी प्रकार का भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। अवधूत भगवान राम का प्रसिद्ध वचन है, भेद भ्रम है और अभेद ब्रह्म है। भेद भ्रम है, भ्रम माया, और अभेद ब्रह्म है, भगवान ब्रह्मा की ब्रह्म के जो है वो है। अभी अघोर पंथ की परंपरा के बारे में आपको बताएंगे। इस पंथ के जो जनक हैं वो महेश यानी शिव हैं। उसके बाद दत्तात्रेय व कालूराम से होते हुए यह परंपरा आज तक चली आ रही है। दत्तात्रेय, कीनाराम और गोरखनाथ के बारे में प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात की चोटी पर दत्तात्रेय रहते थे और सबसे नीचे गोरखनाथ रहते थे। दत्तात्रेय चीलम पीकर आकाश मार्ग से गोरखनाथ के पास भेजते थे और गोरखनाथ चीलम पीकर पुनः आकाश मार्ग से दत्तात्रेय के पास भेज देते थे। एक बार दत्तात्रेय ने चीलम भेजी लेकिन गोरखनाथ के पास पहुंची नहीं। गोरखनाथ ने आत्मिक रूप से दत्तात्रेय से पूछा कि चीलम नहीं आई है, तो दत्तात्रेय ने कहा कि बीच में औघड़ आकर बैठ गया है, बीच में बाबा कीनाराम पहुंच गए थे। जब दत्तात्रेय चीलम भेजते थे तो बीच में ही औघड़ाचार्य बाबा कीनाराम उसे खींच लेते थे और पीकर वापस कर देते थे। इस बारे में एक प्रसिद्ध दोहा भी है, दत्त गोरख की अद्भुत माया, बीच में औघड़ आए समाया। आज भी इस पर्वत पर तीनों लोगों की टिकरी मौजूद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कीनाराम का बहुत विशेष प्रभाव है। इनके मुख्य पीठ वाराणसी में क्रिम कुंड के नाम से जानी जाती है। इनकी परंपरा में अवधूत भगवान राम हुए थे, जिनकी प्रसिद्धि देश विदेश में भी थी। अपना शरीर छोड़ते समय बाबा कीनाराम ने भक्तों को आश्वस्त किया था कि वे अपनी 11वीं गद्दी पर पुनः आएंगे। इस समय 11वीं गद्दी चल रही है, अघोराचार्य बाबा गौतम राम जी महाराज गद्दी संभाल रहे हैं। इन्हें 5 वर्ष की अवस्था में अवधूत भगवान राम ने गद्दी पर बिठाया था। अभी अघोर पंथ की जो दीक्षा है उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। अघोर पंथ की साधना पहले बहुत कठिन हुआ करती थी। दीक्षा लेने के बाद साधक 12 वर्ष तक रुद्राचार में व्यतीत रहता था। रुद्राचार के समय उसे जंगल, पहाड़, शमशान इन सब जगहों पर रहना पड़ता था। पूरे 12 वर्ष नहाना नहीं होता था। यदि भूख लगे तो पास के गांव में आप जाकर 5 घरों से भोजन मांगना होता था। यदि उन घरों में कुछ नहीं मिले तो छठे घर से कुछ मांगने की इजाजत नहीं थी। समाज पर नाम मात्र की निर्भरता रहती थी, निर्भरता थी ही नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो। औगड़ समाज के ऊपर बोझ नहीं बनते थे और आज भी नहीं बनते हैं, जो एक्चुअल औगड़ जो होते हैं। इसलिए औगड़ वस्त्र के रूप में कफन और भोजन पकाने के लिए शमशान की लकड़ी का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि वे चीजें अपने उपयोग में लाता है जो समाज से उपेक्षित है और समाज के काम नहीं आ सकती है। इस परंपरा में पंचम कार का प्रयोग होता है, मांस, मदिरा, मीन, मुद्रा और मैथुन। इन्हें मुक्ति प्रदाता माना गया है। इनके साथ रहकर इनसे अप्रभावित होने की साधना है घोर, क्योंकि संसार में सर्वाधिक बांधने वाली यही चीजें हैं। यदि इनके गोद में बैठकर साधक इनसे उठकर ऊपर उठ गया तो फिर उसे संसार का कोई शक्ति नहीं बांध सकता है। यह पंथ किसी भी प्रकार के दमन नहीं सिखाता है। भोग के बीच से योग का रास्ता बतलाएगा आपको ये। फिर रुद्राचार की परंपरा का अंत भी हुआ है, वो अवधूत भगवान राम ने की थी। पंचमकार की परंपरा तो आज भी है, लेकिन अवधूत भगवान राम ने रुद्राचार की परंपरा को खत्म कर दिया और गुरु भक्ति को इस पंथ की मुख्य साधना बना दिया। आज औगड़
गुरु भक्ति ही साधना करते हैं। अवधूत भगवान राम ने कहा था कि रत्ती पर विश्वास करो तो हिमालय इधर से उधर हो जाएगा। उनके साधक इसके प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। रुद्राचार समाप्त करने के साथ ही अवधूत भगवान राम ने सभी शमशानों को किलित कर दिया था, इसलिए अब इस पंथ में शमशान साधना का कोई महत्व नहीं है। कुल मिलाकर गुरु भक्ति ही प्रमुख है। उन्होंने अवगुणों को वस्त्रों की बाध्यता से मुक्त कर दिया और कहा कि कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। इस पंथ को समाज से छोड़ने का श्रेय अवधूत भगवान राम को ही जाता है। इसके पूर्व यह पंथ समाज से कटा हुआ था। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जरा ढोंगी अवगुणों से संभल कर रहना पड़ेगा। अवगुणों के नाम पर कुछ लोग वेश बदलकर समाज को ठगने का कार्य करते हैं। अवगुणों के बारे में भ्रम फैलाने वाली जो पत्रिकाएं हैं उनका ऐसा रूप प्रस्तुत करती है कि आदमी को भय लगे। उसी का लाभ उठाकर कुछ लोग काले वस्त्र धारण कर लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, अपना चेहरा क्रोधी बना लेते हैं, समाज को विभिन्न उपायों से भयभीत करते हैं और उनसे धन ऐंठते हैं। जबकि असली अवगुण ना तो क्रोधी होता है और ना ही उसे किसी प्रकार की पूजा या उपासना में रुचि होती है और ना ही वह किसी को सलाह देता है। उसे जो भला करना होता है बिन बोले ही भला कर देता है, वो ढिंडोरा नहीं पीटता है। इसलिए नकली अवगुणों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अवगुण की मूल बात यह जान ले कि वो किसी का नुकसान नहीं करता है, केवल लोक मंगल की कामना ही करता है। वो शिव का साक्षात रूप है और शिव मंगलकारी है। अवगुण के इस रूप को ध्यान में रखेंगे तो ना तो उससे भयभीत होंगे और ना ही कोई नकली अवगुण आपको ठग पाएगा। प्रेमकुंड वाराणसी के अलावा पश्चिम बंगाल की तारापीठ प्रमुख मानी जाती है। वहां बामा छिपा हुआ करते थे। इसी तरह कुछ और पीठे हैं जो अघोर साधना के लिए मानी जाती है, जिनमें कामाख्या पीठ है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक में, फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।